हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सीमा और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और फ्रेंड्स, आशा करती हूँ सभी अच्छी हो, और इस आशा के साथ मैं अपनी वीडियो शुरू करूँगी। एक्चुअली मेरा आज का टॉपिक कोई प्लांट्स के बारे में नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मेरी एक स्पेशल फ्रेंड है लिपिका चौधरी, जिनके कारण मैं आज यूट्यूब पर चैनल खोल पाई हूँ। उन्होंने ही मुझे एनकरेज किया था, इसलिए मैं माई स्पेशल थैंक्स टू लिपिका चौधरी। आप खुश रहिए, न्यू साल में आप बहुत सारी खुशियों को पाइए, अपनी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहिए। और आप ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं वो आपको सब मिले, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और यही प्रार्थना आप सभी व्यूअर्स के लिए, सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनके लिए भी मेरी यही प्रार्थना है कि सब खुश रहिए, अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, यही मेरा प्रे है भगवान से। और फ्रेंड्स, मेरी कुछ जो दोस्त हैं मुझसे पूछ रहे थे कि न्यू ईयर की क्या प्लानिंग है, तो फ्रेंड्स न्यू ईयर की कोई प्लानिंग नहीं है, मैं कोई भी प्लान नहीं करती, ये मेरा एक बुरी आदत है। मैं कुछ प्लान करके नहीं चलती, जो भी आता है कर देती हूँ और कुछ नहीं करती। सिर्फ इस बार कुछ कपड़े इकट्ठे की है मेरी फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स के साथ हम लोग अनाथ आश्रम में कुछ कपड़े देंगे और कुछ मिठाई विठाई कुछ देंगे, और वृद्धाश्रम के लिए थोड़ी सी कपड़े, गर्म कपड़े, एकदम कम, बहुत ही कम, जितना हमसे पॉसिबल हो सका उतना हम देने की कोशिश करेंगे। अगर ये काम मेरा पूरा हो गया तो मैं ईश्वर की बहुत बड़ी आभारी होंगी। और मैं वैसे तो मैं भगवान को मानती हूँ, गोपाल जी को मानती हूँ, लेकिन मंदिर में जाके पूजा करना मुझे करती हूँ, लेकिन सारा दिन भगवान भगवान करना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं मानती हूँ सभी लिविंग थिंग्स, सभी जो प्राणी है, स्ट्रीट एनिमल्स है, सभी बच्चे बूढ़े सब में भगवान है, अगर उनकी सेवा की जाए तो आप भगवान को पालेंगे, यही मेरा मानना है। और मैं मानती हूँ कि अगर किसी भूखे को एक मुट्ठी अन्न अगर आप देखे, उनकी भूख मिटाते हो, तो गोपाल जी की सेवा हो गई, उनकी पूजा हो गई, यही मेरा मानना है। और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसा ही मानो, ये मेरा मानना है, मैं अपने दिल की बात आपसे बोल रही हूँ, और यही करूँगी और कुछ नहीं करूँगी। और फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस बार जितना पॉसिबल हो सके, अगर एक हो सके तो एक ही प्लांट लगाइए अपने घर में, एक गार्डन बनाइए, आपके आंगन में थोड़ा सा जगह अगर हो तो एक प्लांट ही लगाइए। इससे भी धरती पर थोड़ी सी पॉल्यूशन थोड़ी सी तो कम होगी। इसकी कोशिश हमको करना चाहिए कि धरती से हम थोड़ी सी जो पॉल्यूशन है, दूषण है, उनको दूर भगाए, तो इसके लिए हमको प्लांट्स लगाना पड़ेगा। अगर आपके घर में जगह ना हो तो रोड साइड में अगर कहीं भी आपको जगह मिल जाए तो भी आप लगा दो। देखो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसको लगाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता, जैसे आम, जैक फ्रूट, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी अगर आप खोजोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। कई कई आम हम खा के उसकी जो सीड्स है उसको फेंक देते हैं, उसको नहीं फेंकना है, उसको आप लगा दो तो ही एक बहुत अच्छा पेड़ बन जाता है, और जैसे छाया देती है, ऑक्सीजन देती है, वैसे फल भी देते हैं, तो फिर हम ऐसा कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही रिक्वेस्ट है आपसे, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, प्लांट्स लगाइए जिधर भी हो सके, आपके घर में अगर जगह ना हो तो जहाँ भी चाहे आप लगा सकते हो। और ऐसे ही आप अपने जीवन की सभी सुख आपको मिले, आपके सभी विशेष पूर्ण हो, और आप अपनी लाइफ में आप कामयाब रहे, आप जो बच्चे जो करियर बनाना चाहते हैं, सभी आप अपने करियर में एकदम सक्सेस हो, यही मेरी भगवान से प्रे है। और इसी बात के साथ, कल 1 जनवरी है, एक नए डिकेट की शुरुआत है, तो इस नए साल आपकी बहुत अच्छी कटे, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। और फ्रेंड्स, सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स देने के लिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।